सो गाइस अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जेन्युइन कस्टमर से जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए। सो भाई अपने मतलब कहाँ से सुना था ये आउटलेट? तो मेरा फ्रेंड है, आज उसका सैलरी हुआ है तो इसने मेरे को यहाँ पे ट्रीट दिया है। और फर्स्ट थिंग यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि प्राइसिंग देख के बहुत महंगा है, पर जब मैं खाया ना तो लगा कि इट्स वेरी जेन्युइन। और नारियल में कुछ यूनिक फ्रूट्स एडेड होके एक्जोटिक फ्रूट्स थे, स्वीटनेस मेंटेन है, आम का जो स्वाद है और ओवरऑल जो टेस्ट है ना वो काफ़ी एक्जोटिक है, प्रीमियम है, लव इट। सो आप लोग में से किसी ने अभी तक ऐसा कभी ट्राई किया है कोकोनट शेल में जूस ऐसा कुछ? नहीं, मैं बेसिकली अभी तक तो नारियल पानी ही पीता है वो, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था, बहुत ही सही था, अच्छा लगा। ऐसे भी कुछ होना ज़रूरी है और यहाँ पे मिल रहा है बेस्ट है। 400 में बहुत वर्थ है। सो गाइस अभी इन्होंने जो ऑर्डर किया वो 400 में था एंड ये काफ़ी अभी महंगा इसके लिए क्योंकि मैंगोज का सीज़न नहीं है अभी। जैसे ही सीज़न आएगा वैसे ही रीजनेबल रेट होएगा, वो हम इंटरव्यू से ओनर के साथ बात करेंगे। लेकिन चलो अब चलते हैं वैरायटी की तरफ और टेस्ट करते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं इस वक्त आया हूँ घाटकोपर में एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पर आके व्लॉग कर रहा हूँ एंड वो भी काफ़ी हेल्दी व्लॉग है आज का, मतलब समर्स के लिए स्पेशल है ये चीज़। अब हर एक सीज़न में खा सकते हो लेकिन समर के लिए स्पेशल इसके लिए क्योंकि इसमें मैंगो है। जो मैंगो है अभी कैसा है कि समर सीज़न स्टार्ट होने वाली है तो बिना मैंगो के समर जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलो इसे ट्राई करते और दे दो आपको रिव्यू। गाइस ये बहुत अच्छा है, आप थोड़ा कैमरा जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैश्यू नट्स है, फिर बादाम डाला है, ये पिस्ता है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। नारियल की जो मलाई होती है उसका शेक है ये पूरा, जो नारियल में ही सर्व करके दिया हुआ रहता है तो इसमें क्या कि वेस्टेज कम हो जाता है एंड ये काफ़ी जगह पे मिलता है लेकिन आई थिंक कि ये बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके कंपैरिजन से। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आओ। लोकेशन है घाटकोपर झूलेलाल चौक, सो इट्स इन घाटकोपर ईस्ट। सो चलिए अब बात करते ओनर के साथ, लेट्स गो। सो गाइज फाइनली हम अभी बात करने वाले ओनर के साथ, तो हमारे साथ है पॉल भाई। तो आज हमको वो बताएंगे उनके रेस्टोरेंट के बारे में जो आउटलेट है उनका जूस के लिए। सो भाई आपने ये कब से स्टार्ट किया था? ऑलमोस्ट लाइक 2 months हो गया है, लाइक मोर देन 2 months लाइक हम लोग ने ये स्टार्ट किया एंड या सो फार इट्स गोइंग रियली गुड। लाइक ये स्टार्ट करने का लाइक इट वॉज लाइक मतलब मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि लाइक यू नो टू स्टार्ट समथिंग रियली लाइक दिस बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है यू नो बिकॉज मतलब मैं इतना जंक फूड का फ़ैन नहीं हूँ यू नो, सो मेरे को वो सब में कुछ नहीं कर रहा था बट रादर लाइक यू नो टू सर्व समथिंग लाइक रियली हेल्दी। सो दैट वॉज अ मेन मोटिव लाइक बिहाइंड दिस एंड फिर वही एक थॉट प्रोसेस था माइंड में एंड फिर मेरे और दो पार्टनर्स हैं, सो मतलब मेरे फ्रेंड्स ही है लाइक मतलब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ही मैंने फिर ये चालू किया लाइक यू नो। नहीं मैं इनफैक्ट लाइक बहुत ही इम्प्रेस हो गया आज क्योंकि आपने जो चीज़ हमको आज सर्व की मैंगो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक राइट, नहीं कोकोनट शेक, सो उसमें लाइक मैंगोज इतने राइप थे, काफ़ी फ्रेश थे एंड विदाउट सीजन भी अगर इतने फ्रेश है तो अगर सीज़न आएगा तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा ये चीज़। एग्जैक्टली लाइक आई मीन मेन मोटिव यही है कि लाइक यू नो टू कीप एवरीथिंग फ्रेश बिकॉज यू नो द कस्टमर्स आर किंग, लाइक अगर हम लोग ने उनको यू नो इट्स अ यू नो राइट लाइक यू नो कि जो भी कस्टमर आ रहे लाइक उनको फ्रेश फूड्स ही देना हमेशा। सो या आई मीन उसमें कुछ आई मीन कुछ इनोवेटिव नहीं है लाइक यू नो सारे लाइक रेस्टोरेंट्स यही करते हैं लाइक यू नो टू सर्व देयर कस्टमर्स लाइक विद रियली फ्रेश फ्रूट्स या फिर जो भी है लाइक यू नो एवरीथिंग एंड ये चीज़ है ना मैंने काफ़ी जगह पर देखी हुई है लेकिन आपके यहाँ पर जो मैंने टेस्ट किया वो काफ़ी डिफरेंट था, बहुत ही यमी था इनफैक्ट एंड वो पूरा जो ख़त्म हो गया ना उसके बाद भी मैं लिटरली बोलता हूँ हर एक बाइट पे एक ड्राई फ्रूट है एक फ्रूट है, सो ये काफ़ी मतलब टेम्प्टिंग है। और मैं चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी देख रहे हो जहाँ से भी देख रहे हो मुंबई के कोने में से आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आओ ट्राई करो। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे कोई डिस्काउंट सिस्टम नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये इनका न्यू स्टार्टअप है एंड आप लोग आके ट्राई करो। आप लोग मुझे अब रिकमेंड करो कि जेनिल और मेरे साथ इसमें चैलेंज कौन सा होना चाहिए तो हम नेक्स्ट टाइम ये चैलेंज वीडियो रखेंगे कि कौन 2 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म करता है।
एंड लेट्स सी फिर कौन जीतता है, क्योंकि वो स्पाइसी ईटर हो गया ना अभी, तो हम मीठे में आ गए। ठीक है, तो सर मैं आपसे एक ही मतलब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाइक आपका एक एड्रेस बता दो प्रॉपर कि हमारे सब्सक्राइबर्स आप तक पहुँच पाए। श्योर श्योर। सो हम लोग लोकेटेड है घाटकोपर ईस्ट में, विक्रांत सर्कल में। लाइक अगर आप इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल आपको लोकेशन लाइक मिल जाएगा। जस्ट यू ऑल 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 यू हैव टू डू इज लाइक आपको सर्च करना है गूगल पे द जंगल किंग बियॉन्ड जूस। सो या आपको मिल जाएगा एड्रेस। सो गाइस इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एज वेल एज लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड थैंक यू सो मच मंदार भाई जिन्होंने मेरे को यहाँ का रेफरेंस दिया, एज वेल एज सेजल फ्रॉम विदेशी तड़का। तो इन दोनों के रेफरेंस के वजह से ही आज मेरे को एड्रेस मिला है। सो बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच रिव्यू के लिए, एंड काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ कस्टमर। तो पक्का ट्राई करो। इसी तरीके से वीडियो को एंड करते, 5 सेकेंड पहले एक आईडी आई रहेगी, तो बस बटन दबा देना, फॉलो कर देना, उसको भूलना मत यार, नहीं करते तुम लोग।